हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक गुड न्यूज़ आई है इंडिया से। फिर से 97 फ्लाइट्स चलने वाली है गल्फ कंट्रीज़ के लिए, सऊदी अरेबिया, ओमान, खतर, कुवैत के लिए 97 फ्लाइट्स चलने वाली है। और अभी तक कितने आदमियों ने, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन सी फ्लाइट है। आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, वही फ्लाइट है, वो प्राइवेट है, लेकिन वही जो है मोदी जी ने उनको परमिशन दे दिया है गल्फ कंट्रीज को चलाने के लिए। तो कौन सी कंट्री में कितने फ्लाइट्स आएंगे और कहाँ कहाँ आएंगे वो आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कौन सी कंट्री में, गल्फ की कौन सी कंट्री में कितने फ्लाइट्स आने वाले इंडिगो के। ठीक है ना, ये प्राइवेट एयरोप्लेन है दोस्तों, ये जो है अपने गल्फ कंट्रीज से इंडियंस को वापस ले जाने के लिए आ रहा है। लेकिन इन्होंने बोल दिया है एयर एशिया ने, इंडिगो ने, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा क्वारंटाइन वगैरह का। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कंपलसरी रहना पड़ेगा, चाहे वो प्रेग्नेंट हो, वुमेन्स रहो, चाहे वो कोई भी रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन क्वारंटाइन में रहना ही रहना है, आपको पैसा बनना ही बनना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करता हूँ। और जिसको फेक लग रहा है ना, वो जा करके अपनी कंबल ओढ़ लो और सो जाओ, मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है भाई। हम बहुत ढूंढ ढूंढ के वीडियो जो न्यूज़ होती है निकाल के बनाते हैं आप लोगों के लिए, जब आपको फेक लग रहा है तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, मा सलामा। चलिए बोलता हूँ कितने फ्लाइट्स आने वाले हैं। 97 फ्लाइट्स गल्फ में, गल्फ कंट्रीज के लिए इंडिगो चलाने वाला है। ये बोलता है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC कंट्रीज ऑफ सऊदी अरेबिया, खतर, कुवैत एंड ओमान, ये चार कंट्रीज के लिए इंडिगो चलाएगा अपने 97 फ्लाइट्स और ऑपरेट करेगा 36 फ्लाइट टू सऊदी अरेबिया, 28 टू खतर, 23 टू कुवैत एंड 10 टू ओमान। ठीक है, 10 फ्लाइट ओमान के लिए चलेंगी और 23 फ्लाइट कुवैत के लिए चलेंगी, खतर के लिए जो है 28 फ्लाइट चलेंगी, सऊदी अरेबिया के लिए 36 फ्लाइट चलेंगी। आने वाली है, सबर करो, फ्लाइट्स आने वाली है। लेकिन सऊदी अरब में लॉकडाउन 27 मई तक है, उसके बाद 29 से चालू होने वाली है फ्लाइट्स। ठीक है ना, अब एयर इंडिया नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं, इंडिगो भी आने वाला है और हो सकता है एयर एशिया भी चलाएगा अपनी फ्लाइट्स। तो आपको आगे भी बताता हूँ मैं कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो फ्लाइट्स अभी चलने वाली है, जो वंदे भारत मिशन जो चल रहा है, 13 जून तक चलेगा। ठीक है ना, 13 जून तक इसमें ये लोग बहुत सारे लोगों को लेके जाने वाले। लेकिन अभी तक जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, 260,000 लोगों ने, लगभग 260,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है इंडिया वापस जाने के लिए। ठीक है ना, तो लोगों ने 98 कंट्रीज से रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है, 98 कंट्रीज से। तो दोस्तों ये वंदे भारत मिशन का जो है अभी चलने वाला है, आपको पता ही है, जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो वो लोग जो है इंतजार करिए, सब्र करिए, जब तक कुछ भी नहीं होता। आप सब्र नहीं करेंगे तो भी फायदा नहीं है, आप सब्र करेंगे तो आपको फायदा है। ठीक है, आप बेसब्री चाले करेंगे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है, आप नहीं जा सकते, आपको सब्र करना ही पड़ेगा जब तक फ्लाइट्स नहीं आ जाती। अगर आपको दूसरा कोई रास्ता दिखता है तो आप खुद ही अपना सकते हैं, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जिसको फेक लग रहा है भाई, जिसको भी फेक लग रहा है हम बोलने वाली बात, जाइए कंबल ओढ़ के सो जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जाना है तो इंतजार करिए, नहीं जाना है तो जहां पर हो वहीं पर रह करके काम करिए, बाद में चल के आप चार पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ आपके साथ अगली कोई वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और जो फेक और हेटर है ना, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। सऊदी अरब की हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात बता दूं, जिसको फेक लगता है वो लोग अपने ट्विटर अकाउंट को जो है चालू करके, हमारे ट्विटर पे फॉलो करके रखिए, आपको अच्छे से सच्चाई पता चलेगी, ट्विटर में कभी झूठ नहीं बोला जाता। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी गल्फ से जाना चाहते हैं सब्र करिए, आपके लिए फ़्लाइट्स आने वाली है, बहुत सब्र करिए। ठीक है ना, मा सलाम, अल्लाह हाफिज़।